हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। एफजे किचन में आप सभी लोगों को खुश आमदीद। तो आज हम रमज़ान स्पेशल बनाने जा रहे हैं ब्रेड क्रिस्पी रोल। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए हम आपको बताते हैं। यहाँ मैंने चिकन ली है तकरीबन एक पाव, साथ ही मैंने लिया है 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। उसी के साथ मैंने ली है यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हसबे ज़रूरत 1/2 टीस्पून मैंने ली है यहाँ पे चीनी। साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून सिरका और 2 टेबल स्पून सोया सॉस। यहाँ मैंने कुछ आलू उबाल लिए हैं, इसका छिलका उतार कर मैं इसको मैश कर लूँगी। तमाम चीज़ें चिकन में शामिल करके मैंने चिकन को बॉईल करना है 15 मिनट। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन अच्छी तरीके से हमारी पक चुकी है। अब हम इसके रेशे कर लेंगे और साथ ही आलू के छिलके मैंने उतार लिए हैं। उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, नमक टेस्ट के हिसाब से शामिल किया है, मायोनीज डाला है उसके अंदर 4 टीस्पून। उसको थोड़ा सा जूसी और क्रीमी करने के लिए इसकी फिलिंग को, क्योंकि मायोनीज के फ्लेवर के साथ इसकी फिलिंग बहुत ज़्यादा जूसी हो जाएगी। तो तमाम चीज़ों को अब हम अच्छी तरीके से मैश करते हैं। देखिए अब हमने डबल रोटी का स्लाइस लेना है, उसके किनारे साइडों पे से उतार लेने हैं और स्लाइस को इस तरीके से लंबाई में हमने ज़रा सा बेल लेना है। अब स्लाइस को बेलने के बाद हमने इसके ऊपर आलू और मायोनीज का पेस्ट ऐसे करके लगाना है। अच्छी, अब आलू हमने इसके ऊपर लगा लिए हैं। अब हम इसके ऊपर चिकन का रेशा फिलिंग के अंदर बीच में हम इसके अंदर ऐड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसको हम ऐसे करके रोल करेंगे। अभी एक रोल हमने अच्छी तरीके से रोल कर लिया है, इसकी साइडें मैंने बंद नहीं करी, वो ब्रेड क्रम्ब से कवर हो जाएंगी। तो अब हम इसको अंडे में डिप करेंगे इस तरीके से और साथ ही हम इसको फिर ब्रेड क्रम्स में शामिल करेंगे और तमाम रोल हम इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेते हैं, फिर हम इसको फ्राई करके आपको दिखाते हैं। देखिए मैंने सारे रोल बना लिए हैं, बस इसको फ्राई करना बाकी है। जी देखिए माशाल्लाह हमारे क्रिस्पी रोल बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इसको आज ही इफ्तारी में ट्राई करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करिएगा। बहुत सारी दुआओं और प्यार के साथ अल्लाह हाफ़िज़।